अ वेसल ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, कोई एक वेसल है और उसकी हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है। हीट कैपेसिटी उसकी नेग्लिजिबल का मतलब कि वो जीरो है, कुछ भी है। और कह रहा है कि कंटेन्स 5 किलोग्राम वाटर। यहाँ पर क्या लिया गया है, 5 किलोग्राम वाटर लिया गया है, तो यहाँ पर वाटर लिया गया है 5 किलोग्राम, ठीक है। और वाटर का टेम्परेचर कितना है, टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द 5 किलोग्राम ऑफ आइस एट, तो यहाँ पर 5 किलोग्राम आइस है, ये 5 किलोग्राम ऑफ आइस है, 5 किलोग्राम आइस है ये, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो कह रहा है एडेड टू इट, अगर हम मिला देते हैं इसमें, आइस को मिला देते हैं, तो ये आइस किस प्रोसेस से होकर आएगा और ऐसे मिल जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, बेसल ही बना लेते हैं, ये बेसल हो गया, बेसल में मिल दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है हीट एनर्जी इम्पार्टेड बाई द वाटर, वाटर ने कितनी हीट एनर्जी को क्या किया है, निकाला है, और इन फॉल ऑफ इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 50 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 50 से कहाँ तक आ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ रहा है, तो कितना हीट इसने निकाल दिया है। तो इस हीट की वैल्यू हो जाएगी mc∆T, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, पहला फर्स्ट पार्ट यही है हमारा, तो हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो m की वैल्यू अगर लेना है तो कितना लेंगे हम, 5 किलोग्राम वाटर है, और c की वैल्यू अगर हमें लेना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, तो हम लेंगे 4200। टेम्परेचर 50 से क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो 50 माइनस 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो 5 इंटू, या 5 से मल्टीप्लाई ही कर ले, 0 0 5 2 10, 5 4 20 और 1 कैरी, और इंटू ये 50। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 और 4 0 लगा लेंगे, और 5 1 जब 5 हो जाएगा, और 5 2 जब 10 हो जाएगा। इतना जूल एनर्जी इम्पार्ट करेगा वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनने में, इतनी एनर्जी ये निकाल देगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मास ऑफ आइस मेल्टेड। इसका कह रहा है कि मास ऑफ आइस मेल्टेड, हमें वो मास कैलकुलेट करना है जो मास आइस का क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हीट अगर हमको देना है तो कितना गर्म मास ऑफ आइस मेल्ट करेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि ये लॉस है, अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं क्यू हीट चाहिए गेन कराने के लिए, क्या कराने के लिए, क्यू हीट चाहिए हमको गेन कराने के लिए। तो क्यू हीट गेन कराने के लिए अगर हमको चाहिए तो हमें क्या, ये हीट किसके बराबर होना चाहिए, 0 5 और 1 2 3 4, और एम हमको कैलकुलेट करना है, और एल की वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा। तो एल कहाँ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस ये है 336, कितना हो जाएगा 336। तो एम इज इक्वल टू 105 और 4 टाइम्स 0 अपॉन 336, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3.125, तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू 3.125 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 किलोग्राम का आइस है, जब हम इसमें मिलाएंगे और पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो इस 5 किलोग्राम में से केवल ये किलोग्राम में आएगा, ग्राम में नहीं आएगा, ये किलोग्राम में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमने किलोग्राम में रखी है। तो इतने में से केवल कितना मास ऑफ आइस यहाँ पर मेल्ट होगा, वो होगा m इज इक्वल टू 3.125 किलोग्राम, 1.8 कितना आया था, 3.125 किलोग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होने के बाद भी कुछ मास ऑफ आइस बचा रहेगा, वो मेल्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ उसको उतनी मेल्ट होने के लिए एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो कितना बचा रहेगा शेष, अगर वो हमको कैलकुलेट करना है, तो हम 5 किलोग्राम आइस टोटल लिए थे और 3.125 इतना हमने मेल्ट करा दिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ आइस इनसाइड द वेसल्स कितना बचेगा, वो बचेगा 1.875 किलोग्राम।
इतना किलोग्राम आइस मेल्ट नहीं होएगा, वो आइस की फॉर्म में उसी लिक्विड में उसी बेसल्स के अंदर आइस की फॉर्म में पड़ा रहेगा। और इसका रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो हीट मेल्ट होने के लिए मिल रही है वो एनफ नहीं है, वो एनफ नहीं है पूरे के पूरे बर्फ़ को आइस को मेल्ट कराने के लिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड ये पता चल गया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, अच्छा फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, इसके पीछे का लॉजिक यही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने हीट से केवल इतना मास ही मेल्ट हो पा रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर इस आइस का कितना, इस लिक्विड का कितना रहने वाला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है, वो मेल्ट नहीं होएगा, इस वजह से फाइनल टेम्परेचर यही रहेगा। अगर और हीट बची होती तो इस वाटर का टेम्परेचर राइज हो सकता, पहले तो ये और हीट अगर होती इसमें प्लस और हीट अगर होती तो वो हीट पहले तो इस 1.875 किलोग्राम के आइस को मेल्ट कराता, आफ्टर दैट टेम्परेचर को राइज करता। लेकिन आइस को मेल्ट होने के लिए ही हीट की कमी पड़ गई, इसलिए अब ये इसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन मिक्सचर, तो मिक्सचर के अंदर मास ऑफ वाटर पूछ रहा है। अगर मास ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, मास ऑफ वाटर, ये मास ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो 5 किलोग्राम तो ये था ही, कहाँ गया, ये 5 किलोग्राम था ही, और ये इस आइस का कितना पार्ट मेल्ट हुआ है, वो 3.125 मेल्ट हुआ है। तो टोटल मास ऑफ वाटर बताओ कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम पहले था और 3.125 ये मेल्ट हो गया, तो 8.125 किलोग्राम मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर है जो क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, मेल्ट मतलब टोटल वाटर रहेगा, ये इतना टोटल वाटर रहेगा। ठीक है, इतना वाटर रहने वाला है। तो बस इस न्यूमेरिकल में बस इतना ही पूछा था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।